हाय गाइस, तो आज हम द मोमो हाउस में आए हैं यहाँ के मोमोज चेक करने। आइए चेक करते हैं। सर, कैसा लगा आपको हमारे कैफे का मोमो? ये तो कच्चा है। भैया, आप एक सेकंड मोमो बनाते हैं? थैंक यू सर। हो सकता है शेफ से कोई गलती हो गई होगी, कुछ नया ट्राई कर रहा होगा। मैं उसे कहूंगी आगे से ध्यान रखेगा। एक काम करिए, एक बढ़िया सा ब्लॉग शूट कर दीजिए और कुछ अच्छा सा पॉजिटिव रिव्यू कर दीजिएगा, हमारे कैफे के ग्रोथ में हेल्प होगा। देखिए मैम, मैं बहुत सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सर प्लीज कर दीजिए ना, मेरे कैफे की रेपुटेशन की बात है। देखिए मैम, आपके कैफे से अच्छे मोमोज ना बाहर चौराहे पे मिलते हैं और अगर मुझे ब्लॉग बनाना होगा ना तो मैं उसका बनाऊंगा आपके यहाँ का। रियली सॉरी, मैं आपके यहाँ कोई रिव्यू नहीं कर सकता। सॉरी सर, प्लीज। बिकने वाले मोमोज मेरे कैफे के मोमोज से कैसे अच्छे हो सकते हैं? इसे ना देखना पड़ेगा। ये तो वही आदमी है। नमस्ते मैडम। तुम इतने बड़े कैफे में जॉब मांगने आते हो, लेकिन तुम्हारे पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है? डिग्री नहीं मैडम, मेरे पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन मैंने 12वीं तक पढ़ाई करी है। तो फिर काम कैसे मिलेगा? मैडम, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और मैडम आप मेरे हाथ के मोमोज खा के देखो ना, पूरी दिल्ली में आपको ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मेरा कैफे ना बहुत बड़ा कैफे और मैं प्रोफेशनल शेफ देख किसी ऐसे इंसान को हायर नहीं कर सकती जिसे खाना नहीं सिर्फ बातें बनानी आती। मैडम मैं बातें नहीं बना रहा हूँ, आप सच में मेरे हाथ का खाना एक बार खा के तो देखो। तुम्हारे पास डिग्री है? नहीं ना, तो काम नहीं मिल सकता। अब निकलो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मैडम आप, भैया देखना मैं आता हूँ। मैडम आप यहाँ? तो ये है तुम्हारा ठेला, कितने कमा लेते हो महीने के? मैडम मैं वो सुनो, कल से मेरे कैफे में काम करने के लिए आ जाना, 60,000 रुपए दे दूंगी मैं तुम्हें महीने की सैलरी। पर मैडम 60 कम लग रहे तो 80 चलेगा क्या? कहाँ सड़क पर ठेले पे काम कर रहे हो, कल से कैफे में काम करना और अच्छे पैसे कमाना। पर मैडम आप तो सिर्फ डिग्री वालों को ही नौकरी देती है ना अपने कैफे में, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। अरे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई, वो बात पुरानी हो गई है, भूल जाओ उस बात को। कल से तुम कैफे आ जाना और अच्छे से काम करो। नहीं मैडम, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। सोच लो एक बार, क्यों फ़ायदे का सौदा ठुकरा रहे हो? मैडम आप मुझे 80,000 रुपये तनख्वाह दोगे, लेकिन ये जो आप मेरा छोटा सा ठेला देख रहे हो ना, इससे मैं महीने के 4-5 लाख कमाता हूँ। भगवान की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अब ये बंद करके आपके साथ काम नहीं कर सकता। पर तुम एक बार, मैडम मुझे तो आपका शुक्रिया बोलना चाहिए, अगर आपने उस दिन मुझे नौकरी दे दी होती तो शायद आज मैं जो कर रहा हूँ वो कभी ना कर पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम एक बात और, उस दिन जब आपने मुझे सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं दी थी क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी, उसी दिन मैडम मैंने ठान लिया था कि इतनी मेहनत से काम करूँगा ना कि उन डिग्री वालों से भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, और आज वही कर रहा हूँ मैडम। चलता हूँ। Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.